ये पहले कैमरे आ गए उन्ना के। बढ़िया बता, क्या नाम है, कितने भाई साहब? आगे रोड नहीं दिख रहा है, मैं सच बोलूं आगे रोड नहीं दिख रहा है, इतनी धुंध पड़ी हुई है, देख लो कुछ। सो गाइस आप सामने देख सकते हो कितना कोहरा पड़ा हुआ है, सामने जो है पोंग डैम है। सो गाइस आज फिर से मैं घर से जा रहा हूँ नालागढ़ की तरफ, नहीं निकलनी ना, नहीं निकलनी है, मैं चोल आया ना पीछे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्स वगैरह कितने थे, इसको ऊपर कर लो ना, ऊपर की तरफ कर लो इनको। भाई साहब हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, क्या हाल चाल आपके? सो गाइस अभी जस्ट जसूर पहुंच चुके हैं हम। सो गाइस अभी चेन वगैरह लूप करवा ली है, अब थोड़ा सा इसको पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं इसमें। सो गाइस अभी पेट्रोल फिलअप करवाया बाइक में 510 का। अभी जस्ट फतेहपुर पहुंचा हूं मैं, तो रहन वगैरह क्रॉस कर लिया मैंने, तो जो नेक्स्ट स्टॉप मेरा आएगा पोंग डैम आएगा। यार बैग वगैरह बंद हो गया, सॉरी यार, ठीक है। तो गाइस उसकी बूंदे पड़ रही हैं भाई मुंह पे मेरे, भाई साहब खतरनाक यार, भाई साहब पुल पे देखो यार धुंध कितनी पड़ी हुई है, ओह माय गॉड। इस टाइम ना गाइस जो मतलब धुंध पड़ी हुई है ना ऐसा, मतलब मौसम में ना बाइक चलाने का तो किसी का मन नहीं करता, पर फिर भी आपको भाई यार आपके लिए ब्लॉग बना रहा है, जो रोड राइडिंग करके जा रहा है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियोस बनाता है आपका भाई, और आप आगे तो सपोर्ट करते हो पूरा फील होता है गाइस। भाई साहब आगे रोड नहीं दिख रहा, मैं सच बोलूँ आगे रोड नहीं दिख रहा, इतनी धुंध पड़ी हुई है, देखो कुछ नहीं दिख रहा आगे। ये पोंग डैम एरिया आ गया ना, बस यहाँ पे ऐसा ही एरिया दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आगे। वो देखो भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बार बार ना मेरे को वाइजर साफ करना पड़ रहा है, जो उसकी बूंदे आ रही है सीधी वाइजर पे लग रही है ना, तो इस कारण मेरे को वाइजर बार बार। सो गाइस आगे धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, मैं तो बस के सहारे चल रहा हूँ, ये आगे बस चली हुई है ना, तो उसके पीछे पीछे लगा दी है मैंने अब बाइक ना, वरना मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे। मुझे कुछ दिखाएंगे ना? एक्चुअली गाइस यहाँ पे पोंग डैम है, तो उस कारण यहाँ पे इतनी धुंध पड़ी हुई है यार, यहाँ पे धुंध भी ऐसी पड़ी है जैसे बारिश की बूंदे नहीं गिर रही होती, उस टाइप की धुंध पड़ी हुई है। सो गाइस आप सामने देख सकते हो कितना कोहरा पड़ा हुआ है, सामने जो है पोंग डैम है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, ये सारा एरिया में पानी है इस टाइम। Few inches later. Guys, मैं अगर प्रॉपर पैक नहीं होता ना अंदर से, इस टाइम में ठंड जाता यार, बुरी हालत होती ठंड से मुझे। देखो टंकी कैसे लगाई हुई है ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बुरे हाल है यार इंडिया में, ऑटो को इन्होंने ना पिकअप बना दिया हुआ है, यहाँ के लोग कुछ भी कर देते हैं यार, इतनी हाइट पे है और ऊपर से तार वगैरह होती है इतनी हाइट की, कितनी दिक्कत आती है यार इसको। लगभग अभी तक मैंने कोई 90 किलोमीटर बाइक चला लिया, अब आगे जाके कहीं ना थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, मैं देखता हूँ आँख वगैरह जली हो कहीं, थोड़े से पाँव वगैरह और हाथ गर्म करते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस थोड़ी सी आग वगैरह साइड लोग बैठे हुए हैं, इधर तो फिर भी ठीक है, पीछे पोंग डैम साइड तो बुरी हालत है। सो गाइस अभी चरूड़ू पहुँच चुके हैं, तो हर बार मैं यहीं पे चाय पीता हूँ, तो यहाँ पे रुक के चाय वगैरह पीते हैं। एक चाय लगा दो। सो गाइस अभी चाय वगैरह पी लिया है, बॉडी थोड़ी हीटअप हो चुकी है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना ना ऐसे मतलब फील हो रहा था, पता नहीं मैं बर्फ के ऊपर बैठा हूँ और फिर बाइक चला रहा हूँ। यहाँ से ऊना लगभग 3 किलोमीटर रह चुका है गाइस, ऊना पहुँचने वाले हैं, ये पहले कैमरे आ गए ऊना के।
तो आगे आपको बस कैमरे दिखेंगे अब। एक्चुअली गाइस ना ऊना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस बिहाफ पे इन्होंने इतने कैमरे वगैरह लगाए हैं। सो गाइस अभी जस्ट ऊना पहुंच चुके हैं, यहाँ से लगभग 100-200 मीटर आगे जाके ऊना का बस स्टैंड है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है गाइस, तो काफ़ी केयरफुली चलना पड़ेगा यहाँ पे। भाई साहब ने एयरफोन लगाए हुए हैं कानों में, जो आके चल रहा लटका। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अभी लाइट आने वाली है, फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। तो गाइस ऊना में जाके हमें धूप देखने को फाइनली मिल चुकी है। भाई पीछे तो धूप देखने को मिली नहीं, और सुबह से 11 बजे से चला हूँ, 2:30 बजे जाके धूप देखी मैंने। Oh my God! अभी भी धूप प्रॉपर तरीके से निकली नहीं है, पर थोड़ा बहुत यार। सो गाइस अभी हम नंगल पहुंचने वाले हैं। नंगल के जो नया वाला ब्रिज है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाकी आप सामने देख सकते हो वो है नंगल डैम। तो गाइस वो था पुराना ब्रिज जो नंगल का था, तो ये ब्रिज कुछ टाइम से बंद था क्योंकि इस पर स्टे वगैरह लगा हुआ था, तो वो अभी पास हो गया स्टे। तो गाइस अभी हम अनंतपुर साहिब पहुंच चुके हैं, आप सामने देख सकते हो ये है अनंतपुर साहिब का बस स्टैंड। जो टाइम हुआ लगभग 3:30 हो चुके हैं, तो 11 बजे मैं निकला, तो कंटिन्यू मुझे बाइक चलाते 4.5 घंटे हो चुके हैं। तो चलो समझदार लोगों को तो क्या बोल सकते हैं, पर उससे भी समझदार कई लोग होते हैं जो बिना देख के क्रॉस करते हैं। गाइस आप सामने ब्रिज चेक कर सकते हो यार, मुझे ये वाला ब्रिज बहुत, जिसको बोलते हैं एक नंबर ब्रिज, वो लगता है यार इसकी जो डिज़ाइनिंग करी है बहुत खतरनाक करी हुई है। देखना बड़े ब्यूटीफुल ब्रिज यार, मेरे को पसंद से बहुत खतरनाक ब्रिज लगता है। देख रहे हो निकालो भाई, देख रहे हो। क्या मक्खन रोड है गाइस, एक रोड है ना मक्खन जिसको। सो गाइस अभी जस्ट नालागढ़ पहुंच चुका हूं मैं, तो जो टाइम हुआ लगभग 4 बज चुके हैं, तो मुझे नालागढ़ पहुंचने में लगभग लग गए 5 घंटे। अंकल बहुत जल्दी है क्या, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस को वो कर रहे हो, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही भाई। बंदा एम्बुलेंस आ रही है, निकल रही है, उसको निकलने दे, अंदर पेशेंट बैठा हुआ है, आगे से अंकल आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे निकलने दे पहले। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, सीरियसली यार, मुझे बहुत घटिया लोग है कई तो इस दुनिया में, मेरे को गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। सो गाइस अभी अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुका हूं, अभी भूख भी लग रही है, तो पहले जाके कुछ खाते हैं। बढ़िया बता, क्या नाम है, गुड नेम आपका, किसका क्या नाम है, गुड नेम आपका, नाम क्या, संजीव, संजीव नहीं बनाता हूँ तो ना कॉमेडी पर वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी हाँ। ओके क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, संजीव भाई। मुझे अच्छी मुझे लगती है ना, जैसे बिट बिट मारते हैं ना अच्छी लगती है, मुझे मतलब लड़कियाँ आती है सामने। तो गाइस अभी पेट पूजा करके आ चुके हैं, अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपने रूम में, जो टाइम हुआ 5 बज चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय, लव यू माई यूट्यूब फैमिली।